धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. ही इज द लास्ट स्पीकर. सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर आपने मुझे वक्तव्य रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बेहद आभारी हूँ. मैं आज पहली बार लोकसभा का सदस्य बना हूँ और इतने देर में तीन सांसदों को छोड़ करके किसी ने भी सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स में क्या एक्सेस है और क्यों चाहिए इस पर चर्चा नहीं की. तो उस परंपरा का, अपने संसदीय साथियों की परंपरा का पालन करते हुए मैं अपने आप को माननीय तूफानी सरोज जी से एसोसिएट करता हूं कि या तो हमारा सांसद फंड एक रीजनेबल किया जाए जिससे कि हम सब क्षेत्र में कार्य कर सकें, अथवा यह हटा ही दिया जाए, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली बात है. हर पंचायत से हमारे पास डिमांड आता है और हम लोग किसी का भी डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं. अब मैं नहीं, हर ब्लॉक में हम रीजनेबल काम कर सके इसके लिए संसदीय फंड की व्यवस्था दें. सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस से माननीय अधीर रंजन चौधरी जी कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में बोलेंगे, पर उन्होंने मूल्य वृद्धि बोला, नरेगा बोला, PMGSY बोला, वर्ल्ड का रिसेशन बोला, सब कुछ बोला, लेकिन ट्रेजरी बेंच ने भी यह नहीं बोला कि इन्हें एक्सेस फंड क्यों चाहिए, किस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे. इसके लिए माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया, पर मैं अपने आप को इसी पर सीमित रखूंगा. जब कांग्रेस के सांसद जब भी बजट पर चर्चा करते हैं, तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम जरूर लेते हैं कि वह कहते थे कि हम केंद्र से एक रुपए भेजते हैं और थोड़ा सा ही पैसा क्षेत्र में जा पाता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है, बजट के पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, यह बात मैं संसद के सामने अपनी रखना चाहता हूं. और सबसे दुखद बात यह है कि जो विभाग संसद के पैसे का दुरुपयोग, भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने ही सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स दिया है. सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा. माननीय MS GIL साहब जब पहले राजनीति से पहले जो थे, तो कोई अगर चुनाव में 25 लाख से एक रुपए भी ज्यादा खर्च करता था तो वो उसे संसद में आने का अधिकार से वंचित करने की बात करते थे. और मंत्री बनने के बाद आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि 797 करोड़ का स्पोर्ट्स बजट जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपने लिए मांगा था, उसे बढ़ा के इन्होंने 1620 करोड़ दे दिया है. और उसके बाद भी ये 232 करोड़ के लिए और लेकर के आ करके बैठे हुए हैं कि 232 करोड़ और हमें ज्यादा दिया जाए. तो 797 करोड़ को 1620 करोड़ करने वाले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पारितोषिक के रूप में 232 करोड़ दिया जा रहा. और मैं सभापति महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि कम से कम 50 करोड़ रुपए इस बार पहली बार उन्होंने खिलाड़ियों के भी मेडल जीते इसके लिए रखा है. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें माननीय सभापति जी का भी बहुत योगदान है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ. शहरी विकास मंत्रालय को भी इस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 1675 करोड़ चाहिए. दिल्ली सरकार अरबों रुपए इस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मांग चुकी है. कभी वह मांगती है सौंदर्यीकरण के नाम पे, कभी विद्युतीकरण के नाम पे, कभी सीवर लाइन के निर्माण पे, कभी वाटर ट्रीटमेंट के भी नाम पे पैसा मांगा जा रहा है. दिल्ली की सुरक्षा के नाम पे भी पैसा मांगा जा रहा है और इस तरह से अरबों रुपए मांगा जा रहा है. मुझे कभी कभी लगता है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश की राजधानी में नहीं बल्कि बिहार के कोसी से, बाढ़ से प्रभावित किसी गांव में हो रहा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी और पहली बार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रही है. दिल्ली सरकार की मांगे इसी तरह की हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स माननीय अटल जी का सपना था. हम चाहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हो, बहुत ही शानदार ढंग से हो, पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने लोगों की वेल्थ बढ़ रही है इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए. अब मैं दूसरा आता हूं उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर. इन्हें 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता चाहिए चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए. किसानों को आप देते हैं 16 रुपए किलो के हिसाब से गन्ने का पेमेंट चीनी का, और आप 40 रुपए किलो में चीनी मिलें बेच रही हैं और इससे वो करोड़ों रुपए का फायदा उठा चुकी है. सारी इस हिंदुस्तान की सारी चीनी मिलें इसमें करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं. उसके बाद भी चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए पैसा क्यों चाहिए, यह भी बात मेरे समझ से परे है. इसी विभाग के FCI की मैं बात करता हूं. सर एक दो डिपार्टमेंट बस. FCI में 1600 करोड़ इनको अतिरिक्त चाहिए. बाहर क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन मेरे जिले में FCI में केवल दलालों की चलती है. किसान बेचारे ट्रैक्टर लेके गोदाम के सामने खड़े रहते हैं, उनका कोई भी
नहीं जाता है, और वही किसान जब दलाल को 800 करोड़ रुपए में बेच देता है तो एक मिनट में उसका ट्रैक्टर गोडाउन के भीतर चला जाता है। और यह बात मैंने जब उठाया तब वहां पे 40 किलोमीटर के रेडियस में FCI के अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया और अपने काम की जिम्मेवारी कर दी गई, खत्म कर दी गई। 10 लाख टन 5 वर्षों में FCI का अनाज सड़ा है, क्या किसी एक व्यक्ति को छोटी सी भी सजा दी गई? मेरा कहना है कि इसमें जवाबदेही तय हो। अभी कलकत्ता बंदरगाह पे 40,000 टन दाल सड़ गया और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दाल की यहाँ कितनी किल्लत है यह बात किसी से छुपी नहीं हुई। इसके अलावा अब मैं गृह मंत्रालय पर बस एक लास्ट पॉइंट होम मिनिस्ट्री पर मैं बोलना चाहूंगा, इस साल 2 बार बजट पेश हो चुका है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए 185 करोड़ रुपए इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए मांगा है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कितना चुस्त एवं सतर्क है कि वह अपने भी क्या डिमांड है एक साल की वह नहीं समझ सकता है, तो हम सबों की रक्षा यह कितने इफेक्टिवली करेगा यह सोचने की बात है। मेरा IB और रॉ का क्या खर्च है यह संसद की चीज नहीं है, लेकिन मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध होगा कि वह जरूर ध्यान रखें कि उसकी उसमें कोई भी धांधली नहीं हो। इसी तरह एक लास्ट पॉइंट सर, ICDS में 1080 करोड़ आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप कितने देते हैं? 50 रुपए प्रतिदिन। अगर हम अपने यहाँ किसी मजदूर को दैनिक मजदूर रखें और 50 रुपए दें तो तुरंत आप हमें जेल में कर दीजिएगा, लेकिन भारत सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को केवल 50 रुपए प्रतिदिन देती है, उसके लिए किसकी जिम्मेवारी है कि उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता? कम ऑन माइंड अप प्लीज, थैंक यू। और Yeah, please sit down now. Both, मैं अपना ले कर देता हूँ। Honorable members, yeah. Thank you.